अक्षर पैदा हुए जिन्हें एक को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम से पुकारते हैं और एक हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनका जन्म इसी शुभ दिन पर हुआ था। तो आज हम सब लोगों ने माल्यार्पण पढ़कर उनको याद किया है, जन्म जयंती पर कोट कोट नमन किए हैं। इसी के साथ साथ व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी हमने चिंतन किया है। व्यापारी टूट चुका है, कोरोना आपातकाल में जो समस्याएं आई हैं उनसे हम कैसे निजात दिला सकते हैं, हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष रविंद्रनाथ तिवारी जी ने ये सारी चीजें बताई दी है। हम कह देना चाहते हैं इस शुभ अवसर पर हम लोग भोगी ज्यादा हो गए, भोगी लोगों को याद नहीं किया जाता है। आप जिन लोगों ने अत्याचार किए दुराचार किए उन लोगों को कितना याद करते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने संघर्ष किया पूरा जीवन, लंगोटी पहनकर लाठी टेक टेक कर विदेशों में अपमान झेल झेल कर देश के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे लोगों को याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को क्यों याद किया जाता है, एक महान देशभक्त राष्ट्रभक्त जिन्होंने गरीबी को सहन करते हुए देश की रक्षा करते हुए सुरक्षा करते हुए और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। इनके परिवार के लोगों के पास कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों को इनके त्याग से सीखना चाहिए, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के त्याग से हमको सीखना चाहिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी के त्याग से हमें सीखना चाहिए। आज के जो राजनेता हैं ये भोगी हो चुके हैं, अत्याचारी दुराचारी हो चुके हैं, तमाम इनके ऊपर केस दर्ज हैं, उसके बाद भी इस प्रजातंत्र को ये बचाने का काम करते हैं, ये भक्षक हो गए, भक्षक कर रहे हैं। मैं इसी कड़ी में इन्हीं को आदर्श मानते हुए इसमें काम कर रहा हूँ, चाहे वो फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल का जिला महामंत्री होने के नाते, चाहे किसान यूनियन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते, या भारतीय सवर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मैं बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ कि मुझे पैसे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। भोगी लोगों को कभी याद नहीं किया जाता, अगर त्याग करेंगे तो समाज याद करेगा। आज मेरा संकल्प है फिरोजाबाद एक आदर्श जिला बने, फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल जैसे काम करते आए उसी तरह के और अच्छे कार्य करें और गति हम लोग देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा तो सभी भाइयों से यही कहना है कि त्याग करिए, समाज में नाम दिया जाता है, भोग करेंगे कोई नाम लेने वाला नहीं है, हम लोग संगठित होंगे फिर फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले बहुत अच्छे कार्यक्रम करेंगे, संगठित करेंगे, व्यापारी हितों के लिए हम लड़ेंगे। खाद्य अधिकारियों से मैं कह देना चाहता हूँ, दीपावली का मौसम आने वाला है, आप लोग पिछली सालों की तरह सैंपलिंग वैम्पलिंग न करना, अन्यथा की स्थिति में आप लोगों का अपमान होगा। व्यापारी जैसे तैसे अपने उद्योग धंधों को व्यापार को लाइन पर ला रहा है, रोज सैंपलिंग वगैरह की तो दुर्दशा का आप लोग शिकार होंगे, ये वास्तव में चेतावनी है। इसी तरह से सिटी मजिस्ट्रेट ये जब आए थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये भी पोल में घुस गए, बहुत लाखों रुपए रिश्वत के रूप में ये ले रहे हैं, इनका भी कार्यकाल अब गलत तरीके से ही जाना जाएगा। आए थे तो लग रहा था ये कुंवर पंकज सिंह है, लेकिन ये भ्रष्टता की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों अधिकारियों को हम चेतावनी देना चाहते हैं, बाकी अधिकारी चाहे हमारे डीएम साहब हो, एसएसपी साहब हो, एसपी सिटी, एसपी आर ए, एसडीएम वगैरह सब अच्छे और सच्चे अधिकारी हैं, और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी सभी अच्छे हैं और भी अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन दो तीन लोग अधिकारी जो हैं व्यापारियों को ज़्यादा परेशान करते हैं खाद्य विभाग से, कोसबाजी है, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ये समझ लें व्यापारियों को बिल्कुल परेशान न करें, अन्यथा की स्थिति में फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल इनको सबको सिखाने का काम करेगा। उद्योग व्यापार मंडल के मुख्य कार्यालय सिवासी मार्केट जलेसर रोड पर एक बैठक का आयोजन किया गया। उसी बैठक के दौरान अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हमारे सभी व्यापारी प्रमुखता व्यापारी नेता यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें हमारे जिले के महामंत्री श्री कौशल किशोर उपाध्याय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश उपाध्याय जी, महिला जिला अध्यक्ष हमारी श्रीमती शीलमणि मानसिंह शर्मा के साथ, रामलीला चौराहा बाजार समिति के अध्यक्ष नाम सिंह जी के साथ, कई व्यापारी नेताओं के साथ, नवनिर्वाचित फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन जो हमारे कांट बाजार में है उसके अध्यक्ष भाई अमृतलाल जी भी यहाँ उपस्थित हुए, और भी अन्य बाजारों से यहाँ उपस्थित व्यापारियों ने इस आशय के साथ व्यापार मंडल कार्यालय में अपने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के श्रद्धांजलि अर्पित, उन्होंने उनकी जन्म जयंती मनाई गई कि जिस तरह से उन्होंने अकेला चल करते हुए इस देश को, अखंड भारत को उनकी भूमिका में अहम भूमिका निभाई, उसी तरह से फिरोजाबाद व्यापार मंडल भी अपने सभी व्यापारी साथियों के साथ लेकर आगामी भविष्य में भी अकेला चल के नारे को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए इस संक्रमक समय में भी अपने व्यापारियों के भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए
निम्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया, जिसमें प्रमुखतः आज मैं आपके चैनल के